बोलो गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मुखे पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवो। तो जो यह अगला जो सूत्र है अपना गीता का वो है कि योत्स्यमान अवक्षे अहम् ये एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ये कहते हैं अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन है उसके हित को चाहने वाले जो लोग हैं राजा लोग हैं वो अत्र इनी सेना में जो आए हैं युद्ध करने की इच्छा से मैं उनको देखना चाहता हूं भगवान। तो गुरु महाराज से शिष्य कह रहा है कि प्रभु ये तो बताओ कि जब मैं परमात्मा के मार्ग में चलूंगा तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं ऐसे दुर्बुद्धि लोग कौन कौन से हैं जो मेरे अंदर आकर मुझे परमात्मा के मार्ग पर चलने से रोकेंगे मुझे निरंतर उनसे सावधान रहना पड़ेगा। अपना एक शिष्य है अभिषेक सारस्वत उसको भान अवस्था आ गई थी तो उसके अंदर जो है कुछ ऐसी गड़बड़ी आई पता नहीं घर गृहस्थी के चक्कर में और वो थोड़ा सा शादी ब्याह में चला गया तो भक्ष अवक्ष भोजन कर लिया उसने। भोजन का बड़ा महत्व है परमात्मा के साधकों के लिए। जो भोजन में गरिष्ठ भोजन करेगा पूरी कचौड़ी पराठा है ना ऐसा तो वो आदमी ध्यान व्यवस्थित नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूं कि मांसाहारी तो कर ही नहीं सकता है ध्यान ढंग से पक्की बात समझ लेना। ये जो अमेरिका में एक दो अपने शिष्य थे इसलिए टूट गए कि वो मांस खाते थे बड़े उनका जानवरों का अब वो जानवर का मांस खाकर कोई ध्यान कैसे कर सकता है तो इसलिए उनकी दुर्बुद्धि हो गई मतलब बुद्धि उनकी खराब हो गई। तो जो अर्जुन जो कह रहा है अर्जुन कह रहा है हालांकि जो मेरी बात है इसको बहुत लोग विरोध कर सकते हैं कि भैया वाह दुनिया में तो इतने लोग मांसाहारी हैं ना फलाना तो भैया तुम करो ना दुनिया में तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो परमात्मा का स्वरूप का जान की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था योगिनानाम सहस्त्रेषु 1000 जो योगी हैं उनमें से कोई एक मेरी तरफ चलने की कोशिश ढंग से करता है और उन 1000 लोगों में से कोई एकाद मेरे को जान पाता है और मुझ में जी पाता है। जब आज से 5000 साल पहले और हजारों में कोई एक आदमी परमात्मा तक पहुंचता था जबकि इतना अनाचार नहीं था भगवान स्वयं वहां थे लेकिन आज तो इस समय तो इतनी ज्यादा विषाक्त वातावरण हो गया है कि टीवी पे देखो आप तो वो हिंसा बलात्कार अपराध ऐसी बातें नेताओं की बातें सुन लो तो उनमें उनकी बातें ऐसी अखबार खोल के देख लो तो पूरा दिमाग खराब सुबह ही खराब हो जाए अखबार में ऐसी नकारात्मक न्यूज आती है किसी से मिल लो तो वो उससे मिलने से आपके जो है मन और मस्तिष्क में अशांति छोड़ देगा कहीं होटल पर जाके नाश्ता कर लो तो नाश्ता करने के बाद 90% हमारे जैसा आदमी तो 100% बीमार हो जाएगा। और आप लोगों का तो चलो खून गर्म है पचा सकते हो तो फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी पैदा हो जाएगी तो वातावरण अच्छा नहीं भोजन अच्छा नहीं
वार्तालाप अच्छा नहीं, प्रदूषित जल है, प्रदूषित फल है, प्रदूषित सब है। अब मैंने अभी परसों नरसों के दिन की बात है, मैंने सोचा चलो पपीता मंगा के खाया जाए। जैसे ही पपीता मुंह में डाला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुंह में छाले होने लग जाएंगे, थूक दिया, मुंह कुल्ला करा तो पता लगा वो पपीता में इंजेक्शन से पकाया गया पपीता था, कार्बेट से पकाए गए केले हैं, फल है, आम है, दुनिया भर की चीजें कार्बेट से पकाए जाते हैं, गाय भैंसों को इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है। क्या है यहाँ पर बताओ? ऐसी विपरीत स्थितियों में जहाँ भोजन शुद्ध नहीं, जल शुद्ध नहीं, अरे भैया पानी अगर नगर निगम से आ रहा है वैसा कहीं वैसा आप पी लो, पी रहे गरीब तो कोई बिल्कुल पक्की बात समझो किसी को टाइफाइड किसी को पी लिया हो जाता है। इसलिए हम वर्षों से पानी को उबाल के पीते रहे, वर्षों से पानी को उबाल के पीते रहे और आज भी पानी को उबाल के पीते हैं। इतनी सावधानी से जीने वाला बहुत एक आध आदमी परमात्मा तक पहुंच पाता है। तो ये दुर्योधन के बारे में अर्जुन कहता है, क्या कहता है कि ये दुर्बुद्धि है, मतलब अहंकार रूपी दुर्योधन का दुर्बुद्धि से बड़ा गहरा संबंध है। जो परमात्मा की ओर चलता है वो सुबुद्धि है, उसकी बुद्धि अच्छी है, और जो संसार में काम में कर्मकांड में और संसार के चक्कर में फंस के मरता है उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है। आज भागवत के 11वें स्कंद का और 21वां और 22वां जो है अध्याय पर हम लिख रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग के बारे में उद्धव को बताया। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव, जो लोग स्वर्ग आदि की कामना से यज्ञ आदि कर्म जो करते हैं वो दुर्बुद्धि लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, और श्रुतियां जो कर्म का उपदेश दे रही हैं वो सिर्फ बच्चे को चॉकलेट का लालच दिखा के जिससे अपन कड़वी दवा पिलाते हैं, ऐसे परमात्मा के सत्य तत्व की ओर मोड़ने के लिए वो ऐसा लालच दे रही हैं। तो ये जो दुर्योधन रूपी अहंकार है बच्चों, ये दुर्बुद्धि है। इस मूर्ख को अंदर मौजूद परमात्मा का बोध नहीं होता, ये खुद परमात्मा बना फिर रहा है। भागवत के इसी खंड में कहा गया है कि मैं आत्मा के रूप में हर प्राणी में मौजूद हूं, किंतु मूर्ख लोग मुझे छोड़कर अन्य साधनाओं में लगे जाते हैं, काल्पनिक देवी देवताओं की पूजन करते हैं, यजन करते हैं, और जैसे सपना का संसार है, जैसे नींद का सपना है, ऐसे ये तुम्हारे स्वर्ग नरक भी काल्पनिक है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से भागवत में लिख दिया है भगवान। तो ये जो दुर्बुद्धि लोग हैं, ये दुर्बुद्धि लोग ये माया की मूर्छा में, संसार के कार्यों में और परमात्मा के नाम पर वितंडावाद और परमात्मा के नाम पर जो है मनमानी साधनाएं करते हैं, और साधना करके अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं, और सद्गुरु जो सद्बुद्धि का दाता है, सद्बुद्धि जो सद्गुरु जो आत्म साक्षात्कार करवा सकता है, ऐसी सद्बुद्धि लेने के लिए सद्गुरु के पास वैसे ही नहीं आते जैसे दुर्योधन कृष्ण के पास और परमात्मा का ज्ञान मांगने कभी नहीं आया। उल्टे कृष्ण जब दुर्योधन के पास पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए थे तो दुर्योधन ने कहा हम सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। ज्ञानी सदैव जो है अशांति के कार्य को टालता है, अज्ञानी सदैव अशांति को ही पसंद करता है, गधा गधे को ही सूंघता है। अज्ञानी रूपी गधा माया रूपी गधी के पीछे दौड़ता है
और माया रूपी गधी मिला के दुलत्ती मुंह में मारती है, होंट और दांत फट जाते टूट जाते हैं, फिर भी साला ये गधा जो है अशांति रूपी ये गधी के पीछे संसारी दौड़ता रहता है, और गधी पीछे गधा फिरे तो फिर क्यों ना दुलत्ती खाए, ऐसा भोले बाबा कह के गए हैं। तो ये जो है दुर्योधन, जो अंदर का जो अहंकार रूपी दुर्योधन है, ये माया रूपी गधी के पीछे घूमता रहता है और जन्म मरण की दुलत्ती खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। ऐसा जन्म मरण का जो खेल है, ऐसे जो जन्म मरण की जो दुलत्ती है, वो खाते खाते इस गधे के होंठ फोंठ सब फूट गए, खून खुनारा हो गया है, लेकिन फिर भी ढेंचू ढेंचू करके उसके पीछे घूम ही रहा है। ऐसे अज्ञान का लड़का है ये, अज्ञान का पुत्र है ये, और माया के चक्कर में फंसा हुआ है ये। और ऐसे व्यक्ति को क्या अपन सुबुद्धि की आशा कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि तुम मेरे पास आ गए हो, इसलिए तुम सद्गुरु के प्रेम में डूब जाने की वजह से, और तुम्हें यह सुबुद्धि अवश्य प्राप्त होगी जैसे अर्जुन को प्राप्त हुई थी। एक बात कही गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो जो दुर्बुद्धि है ये विनाश काली विषमताओं से भरी हुई है, ये विनाश की ओर ले जाती है। दुर्बुद्धि हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। ये विचारों का जो ताना बाना है मनुष्य के अंदर, ये द्वेष का ताना बाना है, ये राग का ताना बाना है। कोई भी मिल जाए तो अरे भैया तू तो मेरा बड़ा भाई है, अरे भैया तू तो मेरी बुआ है, अरे तू तो मेरी जो है आंख की लाडली है, बस फंस गए झूठे प्रेम में। और शब्द से जो आदमी बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो आदमी परमात्मा रूपी निःशब्द आनंद की तरफ कैसे जाएगा? रोज जानते हैं, हर आदमी जानता है कि संसार के संबंध देह के गिरने तक हैं, देह गिरी तो कोई किसी का नहीं है। अगर अभी कोई व्यक्ति का शरीर लकवा मार जाए, पलंग पे से हिले नहीं, वहीं लेटन बाथरूम कर रहा है, थूक रहा है, बदबू आ रही है, लोग निला रहे हैं, 5-6 महीने साल 2 साल लोग सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, लेकिन इसके बाद ऊपर से भले कुछ नहीं कहते लेकिन अंदर से कहते हैं भगवान ये कब मरेगा, बहुत परेशान हो गए इससे। इसी तरह से मारी किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोग कहते हैं हटाओ इस मिट्टी को, जल्दी से हटाओ। ऐसा जो नश्वर शरीर है, ऐसा जो बहुत क्षण के लिए, जरा से क्षण के लिए मिला शरीर है, इस शरीर के अंदर और संसार के संबंधों के ताने बाने में फंसा हुआ दुर्बुद्धि मनुष्य क्यों फंसता है? अहंकार की वजह से फंसता। अहंकार कहता है मेरा शरीर और मैं शरीर, अहंकार कहता है ये मेरे ये संबंधी, ये मेरे वो संबंधी, किसी को भाई मान लिया है। पतंगे की तरह किसी लड़की की याद में लड़का और लड़के की याद में लड़की के तर गाते रहते हैं, याद में तेरे रात भर हम करवटे बदलते रहे, और पता लगता है कि जब वो बुढ़िया हो गई और ये बुढ़े हो गए। तो एक बात मुझे याद आती है, एक सेठ चिल्ली कॉलेज में पढ़ता था और उसी कॉलेज में पढ़ती थी एक लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, सेठ चिल्ली को उससे प्यार हो गया, लेकिन प्यार हुआ 50%। उसके दोस्तों ने पूछा तेरे को प्यार हो गया? बोला हाँ हो गया। तो बोले 50% हो गया। तो उन्होंने कहा कि 50% का मतलब? बोले मेरी तरफ से हाँ है, अभी लड़की से पूछना बाकी है। तो शेख चिल्ली अब जो है, समय गुजरा, शेख चिल्ली था डरपोक टाइप का, उसने उसको कुछ कहा नहीं, और लड़की की हो गई दूर देश में कहीं शादी, दिल्ली से का लड़का और लड़की चली गई मद्रास में। अब शेख चिल्ली जो है व्रत कर लिया, अब तो शादी तो करूं तो उसी से करूं, नहीं तो किसी से अब करूं नहीं। अब शेख चिल्ली महाराज हो गए बूढ़े,
अब उनके उनके परिवार में लोगों ने पूछा, तुम शादी ब्याह तो नहीं कर रहे लेकिन तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुमने, मेरी एक ही इच्छा है कि जो मेरी लड़की से मेरी मोहब्बत हुई थी मैं उसको एक बार देखना चाहता हूं। तो ठीक है भाई, उन्होंने जो है चेन्नई एक्सप्रेस में टिकट बुक कराई परिवार के लोगों ने। अब चेन्नई एक्सप्रेस तो आपने देखी होगी ना, तो चेन्नई एक्सप्रेस में शेख चिल्ली बैठा। अब शेख चिल्ली दिल्ली से बैठा और दिमाग में सोच रहा, हाँ इतनी अच्छी लड़की है, ऐसी आंखें, ऐसे होंठ, ऐसी गर्दन, ऐसे गाल, ऐसे ये। अब वो पहुंचे साहब मद्रास, पूरे रास्ते में शेख चिल्ली उसी लड़की की शान में कविता बनाता रहा, गीत गुनगुनाता रहा। अब साहब वो पहुंच गए, और जब वो पहुंचे और ऑटो रिक्शा वाले को करके बड़ी मुश्किल में उस लड़की का पता ठिकाना ढूंढ ढूंढा के जब वो मद्रास में पहुंचे, तब उन्होंने आवाज लगाई, अरे ओ माधुरी। तो माधुरी बाहर आई, तो माधुरी की लड़की बाहर आई, बोली कि किससे मिलना है? बोले माधुरी से मिलना है। अब वो लड़की बिल्कुल उसके जैसी लगे, वो जवानी वाली। उनने कहा आप तो माधुरी दिखती हो। बोले नहीं, मैं माधुरी नहीं हूं, माधुरी मेरी मम्मी है। तो चलो मिला है। स्वच्छली सोफे पे बैठा, अंदर पता दिया कि भाई तुम्हारे से मिलने दिल्ली से कोई आए हैं, आपके साथ कॉलेज में पढ़ते थे। अंदर से एक बुढ़िया आई लकड़ी टेकती हुई, बिल्कुल गाल झुर्राए, बाल सफेद, आंख अंदर घुसी हुई, दो दांत बचे, इधर के दांत टूटे हुए, पोपला सा मुंह है ना, हाथ कप रहे। शेख चिल्ली ने जैसे देखा, बोले माताजी आप कौन हैं? तो बोले मुए मैं माधुरी हूं। माताजी क्यों बोल रहा है मेरे को? तो बोले आप माधुरी है? बोले हाँ। तो शेख चिल्ली चक्कर खा के वहीं गिर गया और शेख चिल्ली के प्राण निकल गए। तो ऐसे तुम्हारी आशाएं तुमको मार डालती हैं, ये है तुम्हारे जंजाल। मर के फिर शेख चिल्ली क्या बना होगा ये तो मैं अब बता नहीं सकता आपको, लेकिन जो वासना और इसे में जाग मरता है वो निश्चित ही, उसके लिए बहुत सारे जन्म फिक्स है, या तो भौमो बनता है या ढेंचू बनता है ना, या जो है अन्य हुप करके जो पेड़ों पर कूदा फांदा करते हैं वो बनता है। तो भैया मनुष्य का जन्म मिल गया है, काहे को उधर जाने के चक्कर में हो? तो ये श्लोक यही बता रहा है कि ये मूर्खता पूर्वक जो मिथ्या ताना वाना बुनकर जो जीवात्मा फंस जाता है, और कई कई तरह की जो कुटिन मलिनताएं आ जाती है। क्यों? कि जिसने जिसको तुमने भाई बनाया है तो उसकी सेवा के लिए तो भाई तुम बनाते नहीं हो, तुम भाई बनाते हो उसको मूर्ख बनाने के लिए, उसका शोषण करने के लिए, उससे पैसे कौड़ी उधार लेने के लिए, उससे कुछ मदद लेने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए। किसी स्त्री को तुम मित्र बनाते हो तो मित्र बनाने के लिए तो मित्र नहीं बनाते हो, उसको जाल में फंसाने के चक्कर में बनाते हो। तुम्हारी सारी गहरी जो मूर्खता है वो सदगुरु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते। ऊपर ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, अंदर अंदर जहर भरा हुआ है ना। कैसा जहर भरा है? लालच का जहर, कमीनेपन का जहर है ना, दुर्बुद्धि का जहर, कुटिलताओं का जहर, मलिनताओं का जहर, ऐसा मकड़ी का जाला है संसार की मलिनता और विषमता का। इसमें जीव आत्मा मकड़ी बनकर वासना रूपी कीड़े खाया करता है। एक मेंढक जीभ लपलपा के कीड़ा खा रहा था, पीछे से आके सांप ने उसको दबोच लिया। तो सांप बोला भाई ताऊ तू कीड़ा मत खा, हम तुझको खाएंगे। तो मेंढक ने बोला कि भाई तू खा भर लेना, लेकिन अब जो कीड़ा मेरी जीभ पर चिपक गया वो तो मैं खा के रहूंगा। तो ऐसे तुम्हारी जिंदगी है, तुम विषय वासना कभी छोड़ते नहीं, चाहे मौत तुम्हारी खोपड़ी पे आके तांडव नाच करने लग जाए तो भी मौत से भी बोल देते हो कि जरा रुक जा, है ना। वो कहना है
कि वो गाना कौन सा है कि मौत भी अगर आ गई हो तो टल जाएगी। अरे कोई टलने मलने वाली बात नहीं है, वो गाना नहीं है मुकेश का किसका है कि मौत भी अगर आ गई हो तो टल जाएगी, है ना। ये जो है मलिनता रूपी जो विषय वासना रूपी कीड़े मकोड़े और मक्खी खा रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बहुत पवित्र आदमी हैं। हमारे पास कई लोग आते हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, चेन स्मोकर हैं, शाम को शराब इत्यादि भी पीते हैं, और फिर वो कभी कोशिश करते हैं कि ब्रह्म वेत्ताओं से जरा शास्त्रार्थ कर लिया जाए, शराब का नशा चढ़ जाता है, उन्हें क्या करें, बोले चलो किसी साधु संत का खोपड़ा खाएंगे हम। ऐसे भी लोग आ जाते हैं ना। तो अब इस प्रकार से जीवन तो अंधकार में है, जीवन तो ऐसा हो रहा है कि जो एक सामान्य व्यक्ति भी अगर चाहे, एक अच्छा समझदार आदमी होता है, वो कभी तंबाकू मुंह में नहीं रख सकता। कोई अच्छा आदमी होता है वो सिगरेट कभी पी नहीं सकता। कोई अच्छा आदमी होता है वो भांग इत्यादि का नशा कर नहीं सकता। कोई अच्छा आदमी होता है तो वो तो शराब तो पीने की बात छोड़ो, शराब की दुकान के वहां से भी नाक पकड़ के निकल जाएगा, उधर नहीं रुकेगा। तो जब अच्छा व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं कर सकता, और जो कर्म करते हैं वो लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। अभी एक एडवर्टाइज आता था 4-6-8 साल पहले टीवी पे कि क्यों आप क्या दूध पीते हैं, हम तो 5000 वो पीते हैं बियर। लो, दूध पीने वालों को लज्जित कर रहा है वो, और बियर पीने वालों को कह रहा है कि हम तो साहब बड़े तुमसे सुपीरियर है, तुमसे बड़े महान है। तो इस प्रकार से जो अंधा धृतराष्ट्र अज्ञान है, वो अज्ञान ऐसे करके जीवात्मा के अंदर भ्रांति पैदा करता है। हाई सोसाइटी, आहा क्या बात है, आज के समय में वो हाई सोसाइटी के लोग माने जाते हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो किटी पार्टियां करते हैं, जो हाई सोसाइटी में माने जाते हैं, जो 5-स्टार होटल में जाकर जो है वो महंगी से महंगी शराब पीते हैं, वो हाई सोसाइटी है। अतः हमको ऐसी हाई सोसाइटी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको तो भगवान के प्रेम की सोसाइटी ठीक लगती है कि मूंग की दाल और रोटी खा लो और भगवान के ज्ञान में डूब के बैठे रहो। इस प्रकार से जो धृतराष्ट्र है ये धंधा है और टटो टटो के चलता है ना, और लकड़ी टेक के चलता है, और क्या करता है, लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास कर लेता है। और ज्ञानी तो एकदम फटाफट चलता है, अपनी आंख से देख के चलता है, क्योंकि अगर जगत का सब कुछ स्पष्ट अगर दिखता है तो सिर्फ ज्ञानी को दिखता है। मन की चालाकी उसको बेवकूफ नहीं बना सकती। एक मेरी शिष्या है, वो ध्यान भी करती है। तो मेरी शिष्या मुझसे पूछा कि गुरुजी मेरा पिछला जन्म क्या था बता दो। तो मैंने कहा, मन में सोचा कि मैं तुझे पिछला जन्म मुंह से नहीं बताऊंगा, तेरे ध्यान में बताऊंगा, तुझे ध्यान में बैठे कि जब ही तेरे को दिख जाएगा, है ना। तो ज्ञानियों को कई बार बहुत सी चीजें मालूम होती हैं लेकिन वो बताते नहीं है। कृष्ण को मालूम था ना कि यदुवंश का नाश होने वाला है, तो कृष्ण ने कहां बताया और कहां बचाया उनको, है ना। अगर कृष्ण भगवान चाहते तो बचा लेते ना, लेकिन नहीं बचाया। तो जो अंदर का जगत है अगर उसको आपको देखना है तो आपको किसी ज्ञानी के पास आकर और उस साक्षी का ध्यान सीखना होगा। और ज्ञानी में चूंकि सुबुद्धि होती है, ज्ञानी सुबुद्धि में जीता है, अर्जुन चूंकि दृष्टा भाव में जग रहा है, उससे बेहतर है किससे, अज्ञानी धृतराष्ट्र के पुत्रों से बेहतर है। उसकी थोड़ी थोड़ी आंखें सदगुरु खोल रहे हैं, अभी अच्छे से नहीं देख सकता, अभी चयन भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक बात कहते आए हैं कि भैया अंधों से धुंधा अच्छा। अच्छा, इसलिए जिसकी ज्ञान की आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, वो अच्छा है। और जो सदगुरु का शिष्य बन गया है, मैं कहता हूं वो संसारियों से लाख दर्जे अच्छा है।
जो सदगुरु के पास आ गया है वो लाख दर्जे अच्छा है। एक गीत हम गाया करते थे, बहुत पहले की बात थी, वो ऐसा गीत था कि सतगुरु के चरणों में हमने, सतगुरु के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, उस दिन से मेरा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। सतगुरु के चरणों में हमने, तो सतगुरु के चरणों में जिस दिन से आपने सिर झुकाया है बस वहीं से जिंदगी की शुरुआत मानना, और जितने दिन चले गए उतने दिन अपनी जिंदगी में मत गिनना। तुम्हारा वर्दे वही है जब से तुमने किसी ब्रह्म वेत्ता सदगुरु से दीक्षा लेकर और ध्यान की साधना प्रारंभ की है। ये ज्ञान का मार्ग है, ये कर्म कांड का मार्ग नहीं है, ये उपासना कांड का मार्ग नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट मार्ग है। यहाँ पर कोई विधि और निषेध नहीं होता, यहाँ पर सीधा सीधा परमात्मा में जाग कर जीना होता है। आज बस इतना ही कहेंगे। सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम।